प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात और निचले क्षेत्रों में बीते रोज से व्यापक वर्षा। मौसम के इस बदलाव से तापमान में आई भारी गिरावट से प्रदेश में बढ़ी ठंड। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी से मनाली लेह सड़क संपर्क मार्ग दारचा से आगे बंद। इस बर्फबारी से घाटी के किसानों की बढ़ी मुश्किलें। खराब मौसम को लेकर कुल्लू प्रशासन ने पर्यटकों स्थानीय लोगों से ऊंचाई वाले स्थानों पर ना जाने की अपील की। मनाली रोहतांग मार्ग अगले आदेशों तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। कोविड की विकट परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश में हुआ संतुलित विकास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, विपक्ष के संतुलित विकास न करवाने के आरोप निराधार। 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मियां। भाजपा और कांग्रेस ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। 13 से 19 नवंबर तक आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला। कोरोना के चलते सांस्कृतिक संध्याओं का नहीं होगा आयोजन। देव पालकियों के साथ आने वाले देवालुओं को वैक्सीन की दोनों डोज लेना होगा अनिवार्य। कांगड़ा जिले में खुले 3 धान केंद्रों फतेहपुर रियाली त्यौरा में पिछले 3 दिन में हुई 2604 क्विंटल धान की खरीद। इन केंद्रों के खुलने से जिला के सैकड़ों किसानों को पंजाब में धान बेचने की समस्या से मिला छुटकारा।